हेलो ब्रॉन्स्कल्स, तो स्वागत है आपका दंगल के 21वें एपिसोड में। और आप ही की रिक्वेस्ट पे आज हम लेके आए हैं टीम ब्रेट हार्ट। तो भाई, आप रिक्वेस्ट करते हो, तुम्हारा भाई लेके आता है। और भाई, मुझे पता है आप अपनी वीडियोस की बहुत वेट कर रहे हो, स्पेशली टीम आर्थरूथ की। तो टीम आर्थरूथ जल्दी आने वाली है भाई, परेशान मत हो, आने वाली है, बस एक दो वीडियो दूर है, बस बनी है, ऑलरेडी अपलोडेड है, बस पब्लिक होनी है, वो जल्दी हो जाएगी। पर अभी सीरीज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना, मैं पहले पब्लिक नहीं कर सकता उसको। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि टीम ब्रेट हार्ट को कौन कौन से सुपरस्टार मिलते हैं। तो ब्रेट हार्ट के पहले सुपरस्टार है जेडी मैकडोना, जजमेंट डे के जेडी मैकडोना। और दूसरे आ गए है द अंडरटेकर, वो भी 1998 वाले, जो काफी खतरनाक अंडरटेकर थे भाई, डार्क साइड वाले थे ये। तो काफी बढ़िया है, काफी अच्छी टीम मिल गई है ब्रेट हार्ट को अगेंस्ट टीम रैंडी ऑर्टन। तो भाई, टीम रैंडी ऑर्टन तो पिछले पिछले मैच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, खास करके एंटोनियो सुजारो, इनका नाम मुझे अभी भी याद नहीं हुआ, जो भी इनका नाम है, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे से नहीं प्रोनाउंस होता ये वाला नेम। तो जो एंटोनियो सुजारो की टीम है, मैं कहने लगा था कि बहुत तगड़ी चल रही है, रैंडी ऑर्टन ने अपनी पहली ही आरकीओ लगा दी है ब्रेट हार्ट पे। देखना ही है कि ब्रेट हार्ट कितना टाइम सरवाइव करते हैं इस मैच में। दूसरी आरकीओ के लिए गए थे पर रैंडी ऑर्टन ने रास्ते में ही उसको ब्लॉक कर दिया, कहते ना बेटा इतनी जल्दी तो नहीं मैं आरकीओ खाने वाला। तो भाई, ब्रेट हार्ट भी काफ़ी पेल रहे हैं, जेडी मैकडोना नीचे जूनियर रेम सीरीज को पेल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया चल रहा है मैच यहाँ पे अभी तक। तो अभी तो प्लेयर काफ़ी अच्छे मिले हैं, अंडरटेकर दूसरी साइड, अंडरटेकर हैं, ब्रेट हार्ट खुद तगड़े प्लेयर हैं, इन दोनों से तो बहुत तगड़े प्लेयर हैं, रे मिस्टीरियो और एंटोनियो सुजारो से। रैंडी ऑर्टन तो आज के सुपरस्टार, लेजेंड सुपरस्टार है ना। तो अंडरटेकर काफ़ी तगड़े हैं और दूसरी साइड जेडी मैकडोना अभी नया है, तो जेडी मैकडोना से मुझे इतनी उम्मीद नहीं है, पर देखो अभी क्या होता है। ब्रेट हार्ट, आप ही की रिक्वेस्ट से मैंने लेके आया हूँ, आपने दो तीन वीडियो पहले ब्रेट हार्ट बोला था तो मैंने तभी वीडियो बना ली थी। तो मैंने कहा कि चलो आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं ऑलमोस्ट जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं वो जो भी बोलते हैं मैं सबकी वीडियोस बनाता हूँ, ऐसी नहीं कि किसी की छोड़ दी, हर किसी के लिए मैं बनाता हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो लाइंड अप है, जल्दी आ जाएंगी, कैबी रोमस की वीडियो आएगी, आर्थरूथ की वीडियो आएगी, योकोजुना की वीडियोज़ आएंगी, आपने और भी रिक्वेस्ट करी है उनकी भी वीडियोज आएंगी। और शार्प शूटर लगा दिया है रैंडी ऑर्टन पे ब्रेट हार्ट ने, ये ब्रेट हार्ट का फिनिशर है। और रैंडी ऑर्टन अभी तो सबमिट नहीं करने वाले, वैसे भी रे मिस्टीरियो बचाने के लिए आ गए थे, तो इतनी जल्दी तो जाने नहीं वाले रैंडी ऑर्टन। पर रैंडी ऑर्टन के पास अभी ना फिनिशर है ना सिग्नेचर है, तो पता नहीं रैंडी ऑर्टन क्या करेंगे। ब्रेट हार्ट रिंग में है फिर भी जेडी मैकडोना को साइड पे पीटने के लिए स्पेशल गए, पता नहीं क्या ये कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन। अभी तक वैसे कोई एलिमिनेशन हुई नहीं है, चार मिनट होने वाले हैं, चार मिनट नहीं अभी तीन मिनट ही हुए हैं वैसे। तो मुझे लगता है ये मैच थोड़ा बढ़िया और लंबा जाएगा आई गेस, बाकी पता कुछ नहीं है, वीडियो का कब टाइम कब रुख बदल जाए कुछ नहीं, कोई भी नहीं कुछ कह सकता। तभी देखते हैं क्या होता है अगली वीडियो में। फाइव मैच, आपको अगर याद है तो फाइव आउट काउंट ही है बस इस मैच में। रैंडी भागे भागे अपना मूव लगाने आए थे पर लगा नहीं पाए। ब्रेट हार्ट के पास ऑलरेडी दो दो फिनिशर सिग्नेचर है, तो ज़्यादा चांसेस है कि रैंडी ऑर्टन को वो जल्दी से जल्दी अपने फिनिशर लगा देंगे, सिग्नेचर लगा देंगे और रैंडी को यहाँ से चलता करेंगे। और अभी तक वो कोशिश कर नहीं रहे, एक ही फिनिशर उन्होंने लगाया है। रैंडी सीधा टैग दे दिया रे मिस्टीरियो को, रे मिस्टीरियो जूनियर को, जूनियर जूनियर साहब लगाने के लिए कुछ मूव चाहते हैं पर वो लग नहीं पा रहे। ब्रेट हार्ट सिर्फ रैंडी ऑर्टन की तरफ देख रहे थे, उनको पता ही नहीं है कि टैग इन हो चुका है, पता नहीं ये कौन सी गोलियां खा के आया है बंदा। इसको दिख भी रहा है कि रे मिस्टीरियो को टैग मिल चुका है पर फिर भी वो रैंडी ऑर्टन की तरफ जा रहा है। भाई ये बंदा हिल चुका है, जब से शॉन माइकल और विंस मैकमोहन ने इसके साथ धक्का किया इस बंदे के साथ ये हिल चुका है थोड़ा सा। तो अभी तो ये टैग देने की सोच रहे थे पर रे मिस्टीरियो भाई साहब कहते हैं ना अब तो मेरी बारी है तुम्हें पहले की। तो रे मिस्टीरियो भाई साहब के पास दो दो फिनिशर है, अब कब फिनिशर, फिनिशर की बात कर रही थी और फिनिशर के लिए वो चढ़ गए टॉप रोप पे। ये बारे रे मिस्टीरियो का फिनिशर डिफरेंट था, जो कि अभी हमारे ये भाई साहब ने खाया नहीं है ब्रेट हार्ट ने। ब्रेट हार्ट पता नहीं क्या सोच के आए हैं कि आज फिनिशर ही ब्लॉक करने, सिर्फ एक ही फिनिशर खाया हुआ जो आते ही रैंडी ऑर्टन ने स्टार्टिंग में लगाया था, सिर्फ वही वाला फिनिशर लगाया अभी तक ब्रेट हार्ट को। और ब्रेट हार्ट टैग आउट टैग इन भी नहीं कर रहे किसी और को, मतलब खुद ही लड़ रहे हैं। तीन तीन फिनिशर है, सिग्नेचर आने वाला है इस मूव के बाद, जो कि आने दिया नहीं है रे मिस्टीरियो ने, आ गया है वैसे तो। और ये लगा भी नहीं रहे, ना फिनिशर लगा रहे ना सिग्नेचर लगा रहे,
और टैग के लिए चल दिया भाई, तीन तीन फिनिशर लेके और एक सिग्नेचर लेके कहाँ जाओगे, घर तो चले नहीं जाओगे। लगाओ मैच को जल्दी जल्दी ख़त्म करो, थोड़ा इंटेंस मूवमेंट बनाओ, क्या इतना धीरे धीरे आप कर रहे हो। अब मुझे जे डी मैकडोना का वैसे फिनिशर पता नहीं इसमें क्या है, और जे डी मैकडोना सिर्फ एक मुक्की मार के निकल गए यहाँ से। जे डी मैकडोना का पता चल गया कि मैं बहुत बुरी तरह पिटने वाला हूँ, तो मैं जल्दी से निकल जाऊँ तो वही बढ़िया रहेगा। वैसे भी जैसे रे मिस्ट्रीजो ने कपड़े डाले, ये जजमेंट डे को बहुत बढ़िया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक उस कलर की वजह से जे डी मैकडोना कहते हैं कि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता रे मिस्ट्रीजो की, क्योंकि इन्होंने पर्पल कलर पहना है जजमेंट डे वाला। अभी के लिए तो अंडरटेकर पहल रहे हैं रे मिस्ट्रीजो को, रे मिस्ट्रीजो के पास सिग्नेचर आ गया, टैग नहीं दे दिया अंडरटेकर ने। और मुझे ब्रेट हार्ट की टीम से ये पूछना है कि आपको क्या दिक्कत है, फिनिशर क्यों नहीं लगा रहे, फिनिशर लगाओ, सिग्नेचर लगाओ, कुछ लगाओ, क्या करने क्या आए हो। आज मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, तो हो सकता है कि आपको मैं थोड़ा थोड़ा बीच में रुकता दिख जाऊँ। अंडरटेकर फिनिशर के लिए गए थे पर रोल आउट कर गए रे मिस्ट्रीजो, मेरा गला दर्द है, मुझे पता मैं कैसा बोल रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। तुम्हारा भाई फिर भी तुम्हारे लिए वीडियो लेके आया कि मुझे पता है आप मेरी वीडियोस की वेट कर रहे हो, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो, तो आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वो भी आती रहेंगी। अंडरटेकर वैसे रिटायर हो गए, अगर आपको पता है तो हमारे जो 2K वाले हैं उन्होंने अंडरटेकर को टीज भी किया है, तो जल्दी मुझे लगता है कि अंडरटेकर के बारे में कुछ पता लगेगा। मुझे लगता है कैस्केट मैच है, आई गेस ट्रेलर टीजर अभी तक आ गया होगा इस गेम का, जहाँ तक मुझे लगता है वो 22 को कल को कर दिया होगा उन्होंने लॉन्च, तो अभी मैंने देखा नहीं है, मैं देखूंगा कि उसमें क्या क्या आया, फिर आपको बताऊंगा अगली वीडियो में मुझे उसमें क्या अच्छा लगा। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको 2K24 का ट्रेलर देख के कैसा लगा, मैंने अभी देखना है। और मैंने 2K24 के लिए भी काफ़ी अच्छी वीडियो सोच के रखी हैं जब 2K24 आएगी, पर यहाँ पे जे डी मैकडोना ने रेंडी का फिनिशर खा लिया और जे डी के पास भी तीन तीन फिनिशर है, पर हद है यार, ये टीम जो है टीम ब्रेट हार्ट, ये फिनिशर्स के लिए जा नहीं रही, सिग्नेचर के लिए गए थे जे डी मैकडोना पर एंटोनियो सिज़ारो ने रास्ते में ही ब्लॉक कर लिया और वो लगाने नहीं दिया। तो अभी तो जे डी मैकडोना ना फिनिशर खा रहे हैं ना फिनिशर लगा रहे हैं, ये ब्रेट हार्ट की टीम पता नहीं क्या सोच के आई है कि ये मैच को मुक्कों से ही जीतना है, फिनिशर नहीं लगाना। और हमारे एंटोनियो भाई साहब अपनी मुंडी घुमा के फिनिशर लगा दिया जे डी मैकडोना पे, शुक्र है किसी ने तो फिनिशर लगाया, इतनी देर से मैं तड़प रहा था कि फिनिशर लगे, तो अभी फिनिशर लगा है, पर जे डी मैकडोना का पहला ही फिनिशर लगा, तो अभी इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी जल्दी एलिमिनेट होने नहीं वाले। अगर आओ एंटोनियो सिज़ारो ने दूसरे फिनिशर का अटेम्प्ट किया है, क्या जे डी मैकडोना एलिमिनेट हो गए, नहीं जे डी मैकडोना अभी तक एलिमिनेट तो नहीं हुए, पर यह है कि दो फिनिशर लग चुके हैं जे डी मैकडोना को, और जे डी मैकडोना जल्दी ही चले जाएंगे इस मैच से, मुझे देख के लग ही रहा है। और सबमिशन मूव के लिए गए थे एंटोनियो, अगर मेरी खांसी सुनने को मिल जाए आपको इसमें तो भाई मुझे माफ़ करना, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ी थोड़ी खांसी मुझे आएगी बीच में, आपको आवाज़ में भी शायद थोड़ा फ़र्क दिख रहा होगा। रैंडी सिग्नेचर के लिए गए, रैंडी को कोई मूव ही नहीं लगाने दे रहे, ना वो फिनिशर लगा पा रहे ना सिग्नेचर लगा पा रहे। और जे डी मैकडोना भी फिनिशर के लिए गए थे, पर रैंडी ने बोला कि भाई तूने मेरा ब्लॉक किया है मैं तेरा करूँगा, पर जे डी ने फिर से अपना ब्लॉक करके अपना फिनिशर वापस ले लिया, वापस तो नहीं आया, आने वाला है, पर जे डी मैकडोना जल्दी से यहाँ से निकल गए, उनको पता है कि रैंडी के साथ लड़ना इजी बात नहीं। अंडरटेकर दूसरी बार अटेम्प्ट करने गए फिनिशर पर, लगाने नहीं दिया रैंडी ने, पहली बार रे मिस्ट्रीजो ने नहीं लगाने दिया, अब अंडरटेकर नहीं लगा, अंडरटेकर को नहीं, सॉरी रैंडी ऑर्टन को नहीं लगाने दिया। अभी अंडरटेकर कोशिश तो करते हैं फिनिशर लगाने की, पर कोई खा ही नहीं रहा, तो भाई क्या करें अंडरटेकर भी, अंडरटेकर भाई साहब आप जल्दी जल्दी से फिनिशर लगाओ अगर लगाना है तो, अगर रैंडी के पास आ गया तो रैंडी तो लगा ही देंगे अपना फिनिशर। और ये पावर स्लैम के साथ मुझे लगा था पिन के लिए जाएंगे, पर पिन के लिए गए नहीं। अंडरटेकर अभी काफ़ी गुड हेल्थ है अंडरटेकर की, अंडरटेकर ने मार सबसे कम खाई है, तो अभी अंडरटेकर बस फिनिशर के लिए जाए, क्योंकि रैंडी के पास ना तो सिग्नेचर है ना फिनिशर है, तो अंडरटेकर के पास बड़ा अच्छा टाइम है ये चीज़ पुल ऑफ करने का, पर अभी देखो करते हैं कि नहीं। 5 ही काउंट है आपको अगर याद होंगे तो, भाई ये तो जल्दी आ गए अंदर अंडरटेकर और रैंडी ऑर्टन, बट अंडरटेकर भाई लगा दो टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर, मैं देखना चाहता हूँ, मैं बहुत तड़प रहा हूँ टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर देखने के लिए, मुझे नहीं पता मैं क्यों तड़प रहा हूँ, पर मैं टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर देखना चाहता हूँ अभी इस मोमेंट पे। ऑलरेडी 10 मिनट निकल गए हैं मैच के, 10 मिनट निकल गए हैं और अभी भी टीम ब्रेट हार्ट का सिर्फ एक ही फिनिशर गया है, वो भी शार्प शूटर, नहीं वो भी नहीं गया,
एक भी फिनिशर नहीं गया। जेडी मैकडोनल ने ट्राई करी थी सिग्नेचर फिनिशर लगाने की और वो किसी ने लगाने नहीं दिया। अंडरटेकर फिर से गए थे टूम्सून पाइल ड्राइवर लगाने पर टीम रैंडी फिनिशर खाने का नाम ही नहीं ले रही। भाई साहब मुझे नहीं पता ये मैच कब खत्म होगा। यूजुअली नॉर्मली मैच अब तक एक ना एक एलिमिनेशन हो जाती है, ये पहला मैच है 10 मिनट निकल चुके हैं और एक सिंगल एलिमिनेशन नहीं आई इस मैच से, एक सिंगल एलिमिनेशन। तो भाई पता नहीं है कितना लंबा जाने वाला है, मुझे लगता है ये अब तक का सबसे लंबा मैच जाएगा। शायद जिंदर महाल वाला एक मैच था वो काफ़ी लंबा गया था, वो शायद 17 मिनट का था, अब मे बी ये उससे भी लंबा चला जाए कुछ पता नहीं है। 11 मिनट होने वाले अगर फाइनली दी अंडरटेकर टूमस्टोन के लिए गए हैं। भाई मैं आपको बता नहीं सकता पर अभी रे मिस्टीरियो का हेड वैसे काफ़ी डैमेज हो चुका है, अगर आप देख सकते हो रे मिस्टीरियो के वहाँ के नीचे टॉगल के ऊपर, पर अभी रे मिस्टीरियो एलिमिनेट नहीं हुए। अगर एक फिनिशर मुझे लगता है और लगेगा और रे मिस्टीरियो शायद एलिमिनेट हो जाएंगे, मे बी एलिमिनेट हो जाए। एंटोनियो सेजारो पता नहीं वहाँ पे उल्लू बन के बैठे थे क्या कर रहे थे, उल्लुओं की तरह बैठे थे देख रहे थे वहाँ से मैच, पर अंडरटेकर ने बैठने नहीं दिया। अंडरटेकर को शायद एक और टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाने की ज़रूरत है तो रे मिस्टीरियो शायद बाहर हो जाए, पर अभी तक पता नहीं। रे मिस्टीरियो आई डोंट नो ये फिनिशर के लिए गए हैं, मुझे तो फिनिशर ही लग रहा है और ये फिनिशर लगा दिया अंडरटेकर पे, पहला फिनिशर लग चुका है अब तक का। अंडरटेकर स्टन हो चुके हैं पर अंडरटेकर की हेल्थ काफ़ी है तो मुझे नहीं लगता अभी इतनी जल्दी एलिमिनेट होने वाले हैं अंडरटेकर। अंडरटेकर को अभी ज़रूरत है तो सिर्फ एक टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाने की, पर रे मिस्टीरियो पता नहीं जेडी मैकडोना को क्यों पेल रहे हैं जबकि जेडी मैकडोना लीगल स्टार भी नहीं है इस मैच के। आई डोंट नो क्या दिक्कत है इनको, पर अभी के लिए तो 12 मिनट हो गए हैं मैच के, ऑलमोस्ट 12 मिनट होने हो ही गए हैं और एक भी एलिमिनेशन नहीं आई। भाई ये अब तक का सबसे बड़ा मैच है, ये अब तक ऐसा मैच है जिसमें 12 मिनट निकल चुके हैं और एक सिंगल बंदा नहीं एलिमिनेट हुआ। तो भाई ये जीतेंगे कब मैच को, ये टीम कौन सी जीतेगी कब जीतेगी, कोई एलिमिनेशन और पहली एलिमिनेशन आ गई सीधा अंडरटेकर की। मुझे नहीं पता था कि अंडरटेकर इतनी जल्दी निकल जाएंगे और यहाँ पे दूसरा फिनिशर लग गया रे मिस्टीरियो को, वो भी शार्प शूटर और रे मिस्टीरियो ने टैप आउट कर दिया इस मैच में और रे मिस्टीरियो भी एलिमिनेट हो चुके हैं। भाई 12 मिनट निकले नहीं और साथ ही में एलिमिनेशन शुरू हो गई इस मैच में। एंटोनियो सेजारो ने आते ही अपना आई गेस सिग्नेचर लगा दिया है और क्या ब्रैक द हिटमैन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, नहीं अभी तो जेडी मैकडोना है और रेजिलियंसी भी है ब्रैट के पास पर ये कभी कभी अपनी रेजिडेंसी यूज़ भी नहीं करते। एंटोनियो अपने फिनिशर के लिए गए हैं, फिनिशर को पुल ऑफ नहीं करने दिया ब्रेट हार्ट ने, तो ब्रेट हार्ट क्या एंटोनियो को निकाल देंगे, सोचने वाली बात यह है। एंटोनियो के पास ना रेजिडेंसी है और ना ही उनका पार्टनर उनको बचाने आया है, पर एंटोनियो के पास हेल्थ काफ़ी अच्छी है तो एंटोनियो बच गए। अगर आप देख रहे हो तो एंटोनियो इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जो अभी इंजर्ड भी नहीं हुए और यहाँ पे सिंपल सबमिशन लग चुका है ब्रेट हार्ट पे जिसको जेडी मैकडोना की बदौलत रोक दिया गया है, नहीं तो शायद ये सबमिट कर देते, कोई पता नहीं इस मैच में कुछ भी हो जाता है। अगर अंडरटेकर रे मिस्टीरियो से एलिमिनेट हो सकते हैं तो भाई कुछ भी हो सकता है। मेरे गले की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है मुझे आज बोलने में और ये मैच इतना लंबा क्यों होना था, मेरे से तो एक बोला नहीं जा रहा अच्छे से और ये मैच इतना लंबा जा रहा है कि भाई ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं सोच रहा हूँ कि ये मैच ख़त्म हो तो मैं बोलना बंद करूँ, मेरे गले को रेस्ट मिले, पर ना ये मैच नहीं ख़त्म होने को आ रहा। ब्रेट हार्ट तो आया ही तंग करने हैं मुझे, तो अभी ब्रेट हार्ट ने कॉर्नर पे लगाया तो था रैंडी को पर कुछ किया नहीं और रैंडी काफ़ी टाइम से आरकेओ की ट्राई कर रहे हैं और आरकेओ लग नहीं रही, पता नहीं क्या दिक्कत है, रैंडी को शायद से दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इनकी आँखों पर रैंडी की। रैंडी इस बार गए ही नहीं आरकेओ के लिए और ना ही हमारे ब्रेट हार्ट शार्प शूटर के लिए जा रहे हैं ना सिग्नेचर के लिए जा रही है। बंदा कर क्या रहा है, ये बंदा करने क्या आया है इस मैच में, अगर इसको मूव्स ही नहीं लगाने हैं। मुझे लगता है कि एक ही शार्प शूटर लगा तब से, वो भी मैच की स्टार्टिंग में शायद से लगा था, उसके बाद लगा ही नहीं या फिर वो भी नहीं लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा लगा है कि नहीं लगा, आई रियली डोंट नो। और जेडी मैकडोना ने फाइनली अपना फिनिशर लगाया पर उसका कोई फायदा नहीं, एंटोनियो को एक भी फिनिशर नहीं अभी तक लगा, तो अभी तक तो बढ़िया है एंटोनियो इतनी जल्दी एलिमिनेट होने नहीं वाले। जेडी को शायद से एक फिनिशर लग चुका है, जेडी का सिर भी खुल चुका है तो मे बी जेडी कभी भी एलिमिनेट हो जाए। उधर ब्रेट हार्ट और रैंडी ऑर्टन दोनों ही स्टंट है, दोनों ही फ्लोर पे पड़े हुए हैं, फायरी फ्लोर पे,
फ्लोर इज लावा हुआ बड़ा है आज WCW का। तो एंटोनियो सिजारो काफ़ी बुरी तरह फेल रहे हैं इनको, और JD मैकडोना को आप मुझे कमेंट्स में बताओ यार कितने फिनिशर लगे, ये मैच इतना लंबा हो गया मैं भूल ही गया हूँ कितने फिनिशर लगे हैं JD मैकडोना को। अगर आपको मैच अच्छा लग रहा है, बोरिंग नहीं लग रहा, तो भाई जल्दी जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट भी कर दो आपको अगले टीम कौन सी चाहिए। और एंटोनियो आपने तीसरे फिनिशर के लिए गए और JD मैकडोना एलिमिनेट हो चुके हैं इस मैच से। अभी सिर्फ ब्रेट हार्ट बचे हैं, तो क्या ब्रेट हार्ट इस मैच को बचा पाएंगे, क्या अपनी टीम को जिता पाएंगे। सिजारो के पास फिनिशर तो नहीं है, अपना सिग्नेचर है, उधर पता नहीं ब्रेट हार्ट क्या कर रहे हैं, और ये एंटोनियो भी पता नहीं क्या कर रहा है, ना उसको उठा रहा है ना खुद से उठ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है कोई। ये इस गेम में ना थोड़े थोड़े ग्लिचेस हैं, कभी कभी ग्लिच हो जाती है गेम, पर 2K20 जैसे नहीं है वो। 2K20 में तो इतने गंदे गंदे थे ना, और ये अपने सिग्नेचर के लिए गए हैं, क्या ब्रेट हार्ट इससे एलिमिनेट होंगे। और इसी के साथ टीम रैंडी ये मैच जीत चुकी है, भाई साहब टीम रैंडी दूसरा मैच लगातार जीत चुकी है, तो टीम रैंडी की टीम को कंग्रेचुलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको और कौन सी टीम चाहिए, और जो मैंने बताई है टीम वो भी जल्दी आने वाली हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहना चैनल के साथ। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।